हेलो फ्रेंड्स, पीका ब्लॉग चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं, आज नरक निवारण चतुर्दशी है। इस अवसर पर आप लोगों को नरक निवारण चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्त, आज हम लोग जाने वाले हैं लहरियासराय दरभंगा स्थित बाबा धर्मेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो में चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के निकट। तो मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ और आवाज़ की वजह से अभी हम लोग जहां रुके हैं वहीं पर आप लोगों को मंदिर की कुछ बातें बता देना चाहते हैं। जो लोग इस मंदिर पर आना चाहते हैं, तो अगर स्टेशन से आते हैं तो लहरियासराय स्टेशन से 1 किलोमीटर स्थित यह मंदिर है। और अगर सड़क मार्ग के तरफ से आना चाहते हैं तो हाजमा चौराहा से बहेरी की तरफ से जो मार्ग जाता है उस मार्ग पर यह मंदिर स्थित है। और हाँ, हाजमा चौराहा से बात करें तो हाजमा चौराहा से मात्र 300 या 400 मीटर पर दूरी पर यह मंदिर स्थित है। तो आप लोग यहां पर आकर जरूर बाबा का दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं, आज नरक निवारण चतुर्दशी के दिन केएम टैंक स्थित बाबा धर्मेश्वर नाथ मंदिर, जिसे लोग शिव मंदिर से भी जानते हैं, कितनी भीड़ है। देख सकते हैं, आज नरक निवारण चतुर्दशी के अवसर पर केएम टैंक स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालु के कितने भीड़ हैं। मंदिर में बाबा के दर्शन करवाने में दिक्कत आ सकती है, पर कोई बात नहीं, हम आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। और रोशनी के वजह से कुछ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम आप लोगों को आज भोले बाबा से दर्शन करवाएंगे। Thank you.
दोस्तों यही है वो लहरिया सराय केएम टैंक स्थित शिव मंदिर जिसके बारे में आप लोगों को दिखाए हैं। तो दोस्तों भीड़ और रोशनी के वजह से जो भी त्रुटियां आई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और साथ ही इस मंदिर के प्रांगण में एक पंडित जी रहते हैं, उनसे मैंने बात भी की है इस मंदिर की कहानी को लेकर, परंतु उनके पास विशेष जानकारी नहीं है। मुझे जैसे ही जानकारी इस मंदिर के बारे में मिलती है मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा, या नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा। तो दोस्त आइए इस मंदिर के एक प्रांगण को एक बार और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे नरक निवारण चतुर्दशी के दिन कितने भीड़ रहते हैं, तो आइए दोस्त बने रहिए इस पे। तो दोस्तों मंदिर के प्रांगण में घूमने के बाद एक व्यक्ति मिले हैं जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं अभी, तो आइए उनसे, उनको कुछ कहानी इस मंदिर के बारे में पता है तो उनसे जानते हैं इस मंदिर के कहानी कुछ बातें। तो बताबियो ये मंदिर के कहानी बताबियो, ये मंदिर के जे आ नॉलेज हुए से आ कह सके छे। पहले अपन नाम कहो। हमर नाम पंकज चौधरी, हम 2012 में हम जब आयल और हम जे बाबा के कृपा से देखो अय पर मंदिर के जे प्रक्रिया लगभग 3-6 वर्ष मंदिर के पुराना है और लगभग 7 पीढ़ी एहिठम गुरु के समाधि लागल है और दोसर बात जे अत आबे हर कामना पूर्ण भ जाए। हम देखलियन हम जे व्यक्ति जे पीछे से गला हाँ महादेव स्वयं और नरक निवारण चतुर्दशी के अवसर पर धर्मेश्वरनाथ मंदिर केएम टैंक जगदम्बा भगवती के स्थान है जो अनेक भक्त हमारा कृपा से अं जगह पर आबत रह और दुर्गा पूजा में विशेष भीड़ रहे माता के कृपा से और भक्त जे इच्छा रखे महादेव स्वयं पूरा करें। हमारे नाम मोहन चौधरी है, हमारे कामना पूरा कला और 7 गो समाधि गुरु जी के लग चुकल है मंदिर में और मंदिर में अत से लगे हजमत चौड़ा के अंतराल में अखन तक लाखों एक्सीडेंट मिले हैं मगर ककड़ो कि बिगड़ल है बाबा सहाय और एक बेर पर छत के माध्यम से सर्वकाल सिद्ध हो जाए और सारा रोग व्याप संसार के सबके हरण भ जाए बेलपत्र और अक्षत के आज माध्यम से और नरक से मनुष्य के निवारण हो यहाँ पर इस मंदिर में विशेष कर हिंदू समाज में सभी पर्व होते हैं, लेकिन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि और दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्त आज का सफर यहीं तक रहा। जय हिंद, वंदे मातरम।